स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। लास्ट क्लास में हमने कुछ रूल्स देखा था, राइट? इमेज फॉर्मेशन के चार रूल्स देखे थे। क्या क्या थे वो चार रूल्स? पहला रूल ये था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा रे, लाइट रे, वो कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। और जो फोकस से पास, दूसरा रूल, जो फोकस से पास होता है वो लाइट रे कैसे होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट? थर्ड रूल हमने क्या देखा था, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाता है वो उसी पाथ को रिट्रेस करता है, राइट? लास्ट रूल क्या था, अगर लाइट पोल पे गिरा तो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, राइट? अगर पोल पे गिरता है तो, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या होगा? नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। ये चार रूल्स हमने देखे थे। तो यूजिंग दोस फोर रूल्स हम देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है बाय कॉनकेव मिरर। सबको स्पून पता है, राइट? नॉर्मल स्पून, उसका जो इनसाइड पार्ट है, स्पून का जो इनसाइड पार्ट है, अगर आप उसको यूज करते हैं, जस्ट यूज इट टू सी योरसेल्फ, ठीक है? तो क्या होगा, आपको इमेज नजर आएगा आपका। आप उसको अगर पास में रखेंगे, इफ यू कीप द लार्ज शाइनिंग स्पून, जो अंदर की इनसाइड कर्व सरफेस है स्पून का, व्हेन द स्पून इज क्लोजर टू द फेस, तो आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा इमेज? मैग्निफाइड इमेज मिलेगा। मैग्निफाइड मतलब बड़ा, मैग्निफाइड इमेज मिलेगा आपको, इरेक्ट होगा, जैसे आपका इन्वर्टेड नहीं होगा, एज इट इज होगा, अगर आपने उसको पास में रखा तो, राइट? एज सून एज यू मूव द स्पून अवे फ्रॉम योर फेस, तो क्या होगा, क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा? मैग्निफाइड इमेज जो है वो इन्वर्टेड अपीयर होगा। और जैसे जैसे स्पून दूर होता जाता रहेगा, वैसे वैसे जो इमेज है, जो आपका फेस का इमेज बन रहा है, वो भी क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा, राइट? इसलिए हम कहते हैं इनर कर्व सर्फेस जो है स्पून का एक्ट एज अ कॉनकेव मिरर। समझ गए आप? तो वैसे हम देखेंगे कि कब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इमेज कैसे फॉर्म होगा, कहाँ फॉर्म होगा, उसका पोजीशन क्या है, नेचर क्या है, वो सारा चीज हम इसमें कॉनकेव मिरर का देखेंगे, ठीक है? टेक्स्ट बुक में यू विल सी अ टैबुलर फॉर्म वेयर ऑल सिक्स केसेस आर मेंशन्ड। उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हुआ है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज कितना है, बड़ा है छोटा है ऑब्जेक्ट से वो बताया जाएगा, रियल है या वर्चुअल है वो बताया जाएगा, ठीक है? वो टैबलेट फॉर्म में वो दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि इसका डायग्राम इमेज फॉर्मेशन एक्चुअल में होता कैसा है वो देख लेते हैं। तो पहला, फर्स्ट केस जो हम लोग देखने वाले हैं, पहला केस क्या है, केस वन, ठीक है? केस वन, केस वन क्या, ऑब्जेक्ट हम कहां प्लेस कर रहे हैं, इन्फिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी में प्लेस करते हैं तो इमेज कहां फॉर्म होगा? इन्फिनिटी में। सी, जो भी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप इन्फिनिटी में कंसिडर करते हो, तो रेज ऑफ लाइट जो इन्फिनिटी से ट्रेवल होता है वो कैसे होता है, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? तो अगर ऐसा है, सो वी नो द रूल, सी लेट मी कंसिडर, दिस इज द कॉनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हो गया पोल, ठीक है? इन्फिनिटी, कहीं दूर ऑब्जेक्ट प्लेस किया हमने, इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो यहां से एक लाइट रे आया, मान लेते ऊपर से, नीचे से लाइट रेज आ रहे हैं, ठीक है? कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, लाइट रे आ रहा है, सो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो कहां से पास होगा? रूल वन जो हमने देखा था, एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। तो ये ऐसे आया, रिफ्लेक्ट हुआ, निकल गया, या इंसिडेंट लाइट गिरा मिरर पे, रिफ्लेक्ट हुआ, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट कर रहा है, कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहा है, वो कॉमन पॉइंट क्या है, फोकस है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? तो जहां भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते हैं वहां पे क्या फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है। तो यहां पे इमेज कहां फॉर्म हुआ है, एट फोकस, वेर एवर रिफ्लेक्टेड रेज मीट वो वहां पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्ट हुआ, ये इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्टेड रेज कहां मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो कौन सा पॉइंट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस में फोकस हो रहा है, मतलब इमेज कहां फॉर्म हुआ है, फोकस पे हुआ है, ठीक है? सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेयर इज इट फॉर्म्ड, फॉर्म्ड एट फोकस। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, काफी छोटा है, ये मिरर के सामने बना है। आई होप यू ऑल रिमेंबर वर्चुअल और रियल इमेज में क्या डिफरेंस बताया था प्रीवियस क्लास में।
रियल इमेज हमेशा कहाँ बनता है? मिरर के सामने बनता है। जहां पे भी ऑब्जेक्ट है इमेज उसी साइड में होगा। अगर मेरा इमेज मिरर के पीछे बना होता तो वो वर्चुअल होता, राइट? तो ये आगे बना है, तो एक बात तो कंफर्म है कि जो इमेज बना है वो क्या है? रियल इमेज है, राइट? रियल है तो वो डेफिनेटली क्या होगा? इन्वर्टेड भी होगा, राइट? साइज क्या है? साइज या हाइट क्या है इमेज का? पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड। कैसा है ये? हाईली डिमिनिश्ड, काफी छोटा है। समझ गए? इमेज जो है फोकस पर फॉर्म हुआ, हाईली डिमिनिश्ड, रियल और इन्वर्टेड, ये हुआ केस वन। ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट को कहीं दूर रखा जाए। तो इन्फिनिटी से जो रेज आते हैं मिरर पे जो गिरता है वो कैसे होता है? पैरेलल होता है। तो जो भी पैरेलल रेज है वो फोकस पे मीट करेंगे, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? फोकस पे हुआ। ये हो गया केस वन, ठीक है? अब केस टू। केस टू में ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखना मतलब ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है? ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? और मान लेते हैं ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं केस टू के लिए? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रख रहे हैं। तो ये सी है, सी से पहले मैंने रखा ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट को नाम दे देती हूँ ए बी, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, कैंडल हो गया, एक स्टिक हो गया, कुछ भी, एक कैंडल या बल्ब, कुछ भी जो लाइट एमिट कर रहा है फिलहाल, या आप नॉर्मल कोई भी एक ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो मिरर के सामने, एनीथिंग, ठीक है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे कैंडल माना, तो कैंडल को मैंने रखा बियॉन्ड सी, सी से जस्ट पहले। तो यहाँ पे एक रूल तो हमें पता है, कौन सा होगा? अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ तो कहां से पास होगा? फोकस से पास होगा। चलो, फोकस से पास हुआ, राइट? दूसरा रूल कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल यूज कर सकते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे पास होगा तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? लाइट रिट्रेस करेगा पाथ को, है ना? आप स्केल यूज करेंगे तो यू गेट परफेक्ट लाइंस। तो आपने जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा तो एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा वो फोकस से पास होगा, और अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो वो रिट्रेस होगा। ये दोनों रूल हमने यूज किया। तो दोनों रूल में रिफ्लेक्टेड रेस का, इसका रिफ्लेक्टेड रेस ये है और इसका रिफ्लेक्टेड क्या है? ये है। तो ये दोनों कहां है? मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो इमेज कहां फॉर्म होगा? इधर फॉर्म होगा, और वो कैसे होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मिरर के सामने बना इसलिए रियल, और रियल है तो हमेशा वी नो इट्स इन्वर्टेड, तो ये क्या हो गया? इन्वर्टेड होगा। तो ये कैसा हो गया? बी डैश ए डैश। तो बी डैश ए डैश क्या है? इमेज फॉर्म है ए बी का। समझ में? तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे? कहाँ फॉर्म हुआ है इमेज? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड है। और इसका साइज क्या है? मैग्निफाइड बोलेंगे इसको? नहीं बोलेंगे, क्यों? ऑब्जेक्ट साइज से ये क्या है? काफी छोटा है, राइट? पर हाईली डिमिनिश्ड भी नहीं बोल सकते, हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज होना चाहिए, तो यहाँ पे है। तो ये ऑब्जेक्ट साइज से छोटा है, तो आई कैन से इट्स डिमिनिश्ड, ठीक है? पॉइंट साइज नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट से इमेज साइज काफी छोटा है, सो इट इज डिमिनिश्ड। साइज में क्या लिख सकते हो? डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? केस टू भी समझ में आ गया। सो दो केसेस क्लियर हो गए। अभी नेक्स्ट केस, केस थ्री। केस थ्री में हम ऑब्जेक्ट कहां प्लेस कर रहे हैं? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले बियॉन्ड सी रखा था, अब हम रखेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी,
अगर ऑब्जेक्ट को हमने सी पे रखा तो हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? सो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं? सी पे रख रहे हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो आई हैव प्लेस्ड ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है ऑब्जेक्ट, सो क्या होगा? इसको ए नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट को, ये हो गया बी, ठीक है। सो रे ऑफ लाइट जो बी से निकल रहा है विल ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर बी से अगर निकल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहां से पास होगा? फोकस से पास होगा, ठीक है, फोकस से पास होगा, राइट। एक रूल वो हो गया। दूसरा कौन सा यूज कर सकते हैं? जो फोकस से पास हो रहा है, ठीक है, वो कैसे निकलेगा? जो फोकस से पास होता है वो कैसे होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गया। सो ये रिफ्लेक्टेड रहे, ये भी रिफ्लेक्टेड रहे, या दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, सो आपका इमेज भी कहां होगा? इधर होगा। ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। इफ यू यूज अ प्रॉपर स्केल एंड ऑल यू विल गेट अ परफेक्ट रे डायग्राम, ठीक है। तो आप समझ गए, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहां से पास हो रहा है? फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। और जो फोकस से पास होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहां मीट कर रहा है? इसी पोजीशन पे, सी पे ही मीट कर रहा है। तो इमेज कहां फॉर्म हुआ? इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ है? इमेज इज फॉर्मड एट सी। और वो कैसा होगा? जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का भी साइज होगा। साइज क्या होगा? सेम होगा, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कितना था उतना ही होगा इमेज का भी साइज, ठीक है। और वो कैसे होगा? ऑफ कोर्स रियल एंड इनवर्टेड। समझ गए? केस थ्री, ऑब्जेक्ट आपने रखा सी पे, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से गया, जो फोकस से गया वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दोनों यहां मीट किए, वो एग्जैक्टली कहां है? सी के नीचे, जस्ट बिलो सी, लाइक एट सी में ही, उधर ही एट द सेम पॉइंट आपको मिला, राइट, एट सी इमेज फॉर्मेशन हुआ। और साइज क्या है? सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, केस फोर। अब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रहे हैं हम लोग? अब थोड़ा और पास लेके आते हैं। तो नेक्स्ट पास मतलब कहां होगा? सी और एफ के बीच में होगा। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, थोड़ा और मिरर के पास लेके जा रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये पोल ले लेते हैं। तो मैं ऑब्जेक्ट प्लेस कर रही हूं यहां पे, इसको फोकस ले लेता है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेता है। अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में गया मैंने, ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है। तो इसमें कौन से रूल फॉलो कर सकते हैं? एक तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो भी बी से पॉइंट लाइट रे जा रहा है और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से पास होगा? फोकस से पास होगा, राइट, ये हो गया फोकस से पास, बराबर। दूसरा कौन सा रूल हो सकता है? और कौन सा रूल? एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल अगर अप्लाई किया तो ये मिरर का हाफ पार्ट ले, ये पूरा कॉनकेव मिरर ले लेता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे गया वही पाथ रिट्रेस होगा, ठीक है। ये दोनों कहां मीट कर रहे हैं? यहां मीट कर रहे हैं। तो इमेज कहां फॉर्म होगा? जहां पे वो दोनों लाइट रेस मीट करते हो, समझ गया? तो इमेज फॉर्मेशन यहां पे होगा ए डैश बी डैश, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहां पे इमेज में आप क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा है जो इमेज फॉर्म हुआ है, दिस इज द इमेज ए डैश बी डैश। ये जो रे है यहां से पहुंच गया, यहां पे इंटरसेक्ट हो गया रिट्रेस करके, राइट। सो इमेज यहां पे कैसा है? कहां फॉर्म हुआ है? बियॉन्ड सी फॉर्म हुआ है, सी से पहले है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, उसके भी इस तरफ फॉर्म हुआ है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और साइज क्या है? मैग्नीफाइड है,
है ना, ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा है इमेज का साइज। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, देखो पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट, तो फोकस पे बना वो काफी छोटा था, फिर थोड़ा पास लेके आया, सी से पहले रखा, तो हमने इमेज कहाँ देखा, सी के जस्ट पहले रखने से हमने इमेज कहाँ देखा, बिटवीन सी एंड एफ देखा, राइट। फिर हमने सी पे रखा तो इमेज सी पे बना, फिर हमने सॉरी ऑब्जेक्ट सी पे रखा तो इमेज सी पे बना, फिर हमने ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा तो हमें इमेज कहाँ मिला, इन्फिनिटी में मिला, ठीक है। यूज हमें वो फोर रूल्स ही करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इमेज वो बियॉन्ड सी है, रियल और इन्वर्टेड मिला है हमें, और वो ऑब्जेक्ट से इमेज साइज काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया एक और केस, अब देखते हैं नेक्स्ट केस क्या है, केस फाइव। सी और एफ के बीच में केस लाए थे ना, अब हम कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, एट एफ। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एट एफ, केस फाइव, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। अगर आप फोकस पे रखेंगे, थोड़ा और पास लेके जा रहे हैं हम लोग मिरर का, फोकस पे रख रहे हैं, अब क्या होगा देखते हैं। ये हो गया हमारा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है पोल, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं, तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट ए बी, और इसको मैंने रखा है फोकस पे, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो बी से जो लाइट रेज आ रहा है, मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, ये हो गया। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जा रहा है लाइट रे, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे गया, लाइट रे उसी पाथ को रिट्रेस करेगा, ठीक है। सो इफ यू ड्रॉ दिस प्रॉपरली, हाँ, सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, ये लाइट रे बहुत दूर कहीं जाके मीट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आई कैन नॉट शो यू ऑन द बोर्ड, इट इज गोइंग बियॉन्ड द बोर्ड, ठीक है। तो कहीं दूर जाके बियॉन्ड सी ही, कहीं इन्फिनिटी पे लेके, कहीं बहुत दूर जाके वो लाइट रे मीट करने वाले। रूल्स कौन सा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पॉजिटिव सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है वो पाथ रिट्रेस करेगा, तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो कहीं दूर जाके मीट करेंगे, ठीक है, वेरी फार। सो इमेज इज फॉर्म्ड हियर एट इन्फिनिटी, ठीक है। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ, दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, इवन तो वो कहीं दूर जाके मीट कर रहा है बट है वो रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा इमेज फॉर्म हो रहा है, बन रहा है ना इमेज, एक्चुअल में बन रहा है, तो रियल है तो वो इन्वर्टेड भी है। और थर्ड क्या होगा, हाईली मैग्निफाइड, वो काफी बड़ा होगा जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इतना ही है अभी, यहाँ पे इमेज इतना होने वाला अगर यहाँ मीट करता तो, ये तो और भी दूर जाके मीट कर रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी डिस्टेंस पे होगा हाइट जो है इमेज का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाईली मैग्निफाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, केस सिक्स। अब ऑब्जेक्ट को हमने एफ तक रखा, अभी नेक्स्ट केस ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एफ और पी के बीच में होगा। सो केस सिक्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, पोल और फोकस के बीच में अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, ये देखना है, ठीक है। क्या होगा अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो, ये आपका हो गया मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल, ये हो गया फोकस, ऑब्जेक्ट मैंने रखा है फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रीड्रॉ कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इमेज इसमें क्या होगा, मिरर के पीछे बनेगा, बराबर। सो आई जस्ट रीड्रॉ दिस थोड़ा सा। तो ये मेरा कॉनकेव मिरर हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस पोल फोकस, मैंने ऑब्जेक्ट रखा फोकस और पोल के बीच में, ठीक है, ए और बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी पार्ट। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कैसे जाएगा, फोकस से जाएगा, नो डाउट। दूसरा कौन सा रूल यूज कर सकती हूँ मैं यहाँ पे,
पोल के पास है तो आई एम श्योर पोल पे लाइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फॉर्मिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल। तो आपको दिख रहा है ये दोनों लाइट रेस कभी मीट करेंगे ही नहीं, राइट? दे डोंट एक्चुअली मीट, दे कैन नॉट एक्चुअली मीट। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इमेज जो है वो मिरर के फ्रंट में बनेगा ही नहीं, तो यानी आपको यहाँ पे रियल इमेज मिलेगा ही नहीं। सो व्हेन यू एक्सटेंड दिस रिफ्लेक्टेड रेज, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड करो और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको एक्सटेंड करो, सो यू सी दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट। अब इसको एक्सटेंड करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे मैंने एक्सटेंड किया, ये रिफ्लेक्टेड रे मैंने एक्सटेंड किया, सो दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट। ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्सटेंड करेंगे, यू सी दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट। तो जहां पे वो मीट कर रहे हैं वहां पे आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा ए डैश बी डैश, ये हो गया इमेज। तो ये इमेज कहां बना, ये रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करने पे ये आ रहा है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे उसको मिरर के पीछे एक्सटेंड करो, मतलब व्हेन यू एक्सटेंड दिस यू आर गेटिंग इमेज बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर है तो ऑब्वियसली क्या हुआ, पोजिशन क्या है इमेज का, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। और कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है ना, इरेक्ट है, अपराइट है, इरेक्ट मतलब अपराइट, तो वर्चुअल है तो मतलब इरेक्ट हुआ। और क्या बोल सकते हैं, हाईली मैग्निफाइड, है ना, मैग्निफाइड ऑब्जेक्ट से इमेज साइज क्या है, काफी बड़ा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में 6 केसेस हैं और सारे 6 केसेस हमने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है।